कोरोना महामारी के खिलाफ शुरू की गई जंग के लिए देश में किए गए लॉकडाउन के दौरान पुलिस के जवान देश भर में जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं। इन जवानों की हौसला अफजाई के लिए कई समाज सेवी संस्थाएं जगह जगह पर इन जवानों को सम्मानित भी कर रही हैं। इसी कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की मंडी इकाई के द्वारा छोटी काशी मंडी में तैनात पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया। साथ ही लॉकडाउन के दौरान पूरी ईमानदारी व निष्ठा से ड्यूटी निभाने पर विद्यार्थी परिषद ने पुलिस प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। विद्यार्थी परिषद की प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर कनिका हांडा ने कहा कि इस संकट की घड़ी में जहां स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना महामारी के खिलाफ एक योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं इस जंग में पुलिस का कार्य भी सराहनीय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ता आया है, निरंतर लड़ता आया है, और आज हमारा एक आयाम है स्टूडेंट फॉर सेवा, जो उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो कि सेवा कार्य में स्वयं भी अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं वॉलंटियरली। और आज इस विपरीत परिस्थिति में हमारा ये विंग ये देख रहा है कि किस प्रकार डॉक्टर विभाग ये पुलिस वाले अपना काम जो है बहुत ही कर्मठता से हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, न केवल अनुशासन स्थापित कर रहे हैं लेकिन आत्मीयता का भाव है वो भी देखने को मिलता है। तो हमें लग रहा था कि आने वाले टाइम में हम अन्य विभागों के विभिन्न लोगों को भी इस तरह से सम्मानित करेंगे। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने स्तर पर भी ये सेवा कार्य शुरू किया है, वॉलंटियरली अपने आप को डिप्यूट किया है, ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से लोगों की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए भगवान ने हमें चुना है क्योंकि हमारे अंदर वो स्वयं है, हम इस विपरीत परिस्थिति से लड़ सकते हैं। और राष्ट्रीयता की जो भावना हम लोगों में है, हमारे लोगों के बीच में है, उस बंधन को मजबूत करने के लिए हमने ये कदम उठाया है कि हम इनके द्वारा की गई सेवा को अप्रिशिएट करें। पूरे देश को मेरा यही इस विपरीत परिस्थिति में संदेश है कि हमें जो है थोड़ा सा संयम, थोड़ी सी समझदारी के साथ चलना है और किसी भी प्रकार के वैचारिक मतभेदों से दूर राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होके सिर्फ एक मंच पर लड़ना है कि हमें इस विपरीत परिस्थिति में सरकार के द्वारा जो भी एडवाइजरी दी जाती है उसका शांतिपूर्वक उसके ऊपर अमल करना है और किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देना है, किसी भी प्रकार की वोकल कॉन्ट्रोवर्सी को कोई भी स्थान नहीं देना है।